नमस्कार, मैं सपना राजौरिया, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। बिजली के गलत बिल को लेकर महिला उपभोक्ता ने लगाया विद्युत विभाग में बिल बढ़ोतरी को लेकर मनमानी का आरोप। महिला का कहना रहा कि कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरे 10वें महीने में, माने अगले साल की, एक साल पहले की बात है, हमने कहा था हमारा मीटर खराब चल रहा है, तो इन्होंने चेक मीटर लगाने के लिए मीटर लगाया और बिना हमारी जानकारी के ये लोग मीटर उतार ले गए। हम इनके पीछे कम से कम 7-8 महीने से घूम रहे हैं कि हमारा बिल दे दीजिए नए मीटर संख्या चढ़ाकर, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया। जब ज़्यादा भागदौड़ हमने करी तो आकर चुपचाप शाम को 6 बजे के करीब चेक मीटर लगाया। चेक मीटर लगाकर 6 बजे करीब चेक मीटर उतार ले गए और बिल बना के भेजा हमको 6,80,000 रुपये का 10वें महीने में, इसी साल 2017 में। फिर हम सब अधिकारियों के पास भागे तो ये कहा कि अरे आप उल्टी सीधी बातें मेरे साथ की गई। जब मैंने ज़्यादा कहा उनसे तो उन्होंने मेरे को बिल 6,80,000 रुपये का बना के दे दिया, कह दिया कि आपको 6,80,000 रुपये, 1,00,000 रुपये महीने। जब हमने ज़्यादा परेशान, मैंने ऑब्जेक्शन उठाई तो बोला ठीक है आप ऐसा करिए कि हम निकलवाते हैं आपका सही बिल करा कर, तो 4,68,000 रुपये का इन्होंने बिल निकाल के हमको दिया, तो 2,60,000 का सीधे हो गया। उसके बाद जब हमने कहा कि हमारी इसकी किस्त बना दी जाए तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी किस्त बना दे रहे हैं, लेकिन एक ही महीने में आपको 2 किस्त देनी पड़ेगी। तो 7 तारीख को 1,00,000 रुपये जमा करा लिया और 23 तारीख को फिर 1,00,000 रुपये जमा करा लिया, 2,00,000 रुपये जमा करा लिए। 2,00,000 रुपए जमा होने के बाद इन्होंने ये इस महीने में 11वें महीने में हमने ये कहा कि हम पर थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, 50,000 आज जमा करा लो और हम 5 तारीख तक आपकी 50,000 रुपए फिर जमा कर देंगे। बोले नहीं आपको आज ही जमा करने पड़ेंगे, हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर आप नहीं जमा करते तो आज ही आपकी मीटर काट ले जाएंगे दोबारा। क्या मानते हैं आप, जैसे जो 1,00,000 रुपए जो 6,00,000 का आपको बना कर दिया, 1,00,000 रुपए मंथली जैसे बढ़ा कि वो उसमें बिजली विभाग ने मनमानी की है? सीधे सीधे 2,60,000 रुपए का अंतर आ रहा है। उसके बाद हम सब जगह अपनी शिकायत लेके घूम रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं।